जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में टेस्ट करते हैं IPS एमुलेट। इन सब के बारे में सालों से सुनते चले आए हो ना आप लोग कि कैसे एमुलेट डार्क एरिया में ब्लैक रहता है, IPS हमेशा ब्लैक नहीं हो पाता वगैरह वगैरह। वो सारा एक लाइव टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कुछ फ़ोन, इवन इस बड़ी से डिस्प्ले पे भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। इस सारे एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग ये ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक माइक्रोस्कोप कैमरा है, तो सोचा इसका फ़ायदा उठाया जाए। बहुत ही सिंपल से वीडियो है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियो नहीं होगी आपके लिए, ये स्ट्रेट रो टाइप वीडियो शूट करेंगे आज। और लास्ट में दो तीन मिथ है जो मैं देखता रहता हूँ कमेंट सेक्शन में, हालांकि पहले बात किया गया बट उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, रिपीट कर देंगे नए व्यूअर्स के लिए। लाइव दिखाता हूँ आपको IPS एमोलेड या फिर टीवी में इनके पीछे LED होती है ना, लाइव देखते हैं अब। क्योंकि जैसे ये एमोलेड डिस्प्ले है ना, तो जो पार्ट ब्लैक है उससे पहले वैसे ग्रे देख लो। अगर आपको ग्रे में डाउट है ना, तो ग्रे में देखो, जो पिक्सल है ना ऐसे जलते हैं भाई, तो आपका बिजली का बिल आएगा, मतलब बैटरी कंज्यूम होती है। ओके, तो आपके मन में आ रहा होगा भाई पिक्सल होते क्या है। पिक्सल वो होता है जो गूगल बनाता है, मजाक की बात साइड में, लेकिन पिक्सल क्या होता है कि जैसे कि कोई भी डिस्प्ले होती है इसमें ढेर सारे पिक्सल पैक कर दिए जाते हैं। अब ये पिक्सल डिपेंड करता है इसके साइज पर, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पिक्सल के अंदर फिर ना RGB वाले सब पिक्सल होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन कलर, ये सारे आपस में मिक्स होकर अलग अलग कलर बनाते हैं। जैसे हमने इन दोनों को मिक्स करके यहाँ पे कुछ कलर बनाया हुआ है, और जितने ज़्यादा पिक्सल उतने मस्त कलर आएंगे, लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है, वो सब एक अलग टॉपिक है। इन शॉर्ट ये कलर्स बनाने में हेल्प करते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके एक बढ़िया कलर्स बनता है, और छोटे छोटे नंबर से मिलके कोई सब्सक्राइब करता है तो 2 मिलियन हो जाते हैं। कहने का मतलब सब्सक्राइब जरूर करना अगर नए हो चैनल पे। अब जैसे ये वाले पार्ट में चलते हैं जहाँ ब्लैक है, कोई भी पिक्सल जलता हुआ नहीं दिखेगा, एकदम ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ वहीं पे। जहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा होगा ना, ढूंढते हैं, ये देखो, तो ये टेक्स्ट में देखो किस तरीके से पिक्सल जल रहे हैं, ये लिखा हुआ इन, तो ये एमोलेड का एक्सपीरियंस है। IPS का दिखाता हूँ आपको, ये IQ Z5 है और इसके अंदर डार्क मोड अप्लाई कर रखा हमने। पहले तो इसके पिक्सल अलग दिखेंगे, देखो आपको ये देखो, इसमें ना कुछ ऐसे लाइनें दिखाई देती है, थोड़ा और नज़दीक चलते हैं, ये देखो। लेकिन आपको पता होना चाहिए काफ़ी हल्की हल्की सी जल रही है लाइट इसमें, तो पूरी डिस्प्ले के पीछे एक बैकलाइट होगी ना, तो पूरी बैकलाइट को उसी हिसाब से ब्राइट कर देते हैं, लो कर देते हैं, जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है। जैसे IPS डिस्प्ले है लेकिन थोड़ा ब्राइट एरिया है, इसमें देख लो आप RGB कलर किस तरीके से अरेंजमेंट होती है इनकी। वहीं पर एमोलेड के अंदर कुछ ऐसा सा दिखता है, एमोलेड के अंदर यहाँ पर अलग अलग शेप में भी होते हैं। आईफोन का देखोगे अलग दिखेगा, कई बार फ़ोन टू फोन का ये पिक्सल अरेंजमेंट अलग हो सकता है, लेकिन वर्किंग सेम है। ये वाली काफ़ी फेमस है वीडियो, तो ये एमोलेड डिस्प्ले देखो किस तरीके से ब्राइट एरिया आ रहा है, ये देखो ब्लैक आ गया, और जैसे इधर करता हूँ तो कुछ इस तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं, इसीलिए डीप ब्लैक दिखाई देता है वीडियो देखते टाइम, जहाँ पे कुछ नहीं है, और जहाँ पे कुछ है वहाँ पे आपको इस तरह से पिक्सल इसके ऑन ऑफ होते हैं। अभी सेम चीज़ अगर मैं IPS में टेस्ट कराऊँ तो परमानेंट ये ऑफ नहीं होता, देखो ब्लैक है तब भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है आपको। इसी तरीके से डीप ब्लैक नहीं दिखाई देता, ग्रे दिखाई देता है ब्लैक की जगह। एमोलेड में इसका अलग ही नज़ारा है। टीवी में दिखाता हूँ आपको, टीवी में भी क्योंकि ये OLED तो है नहीं, तो देखो टीवी के पिक्सल देखो, ये ब्लैक पार्ट में ब्लैक नहीं होता, और अगर मैं वाइट वाले में चलूँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से चेंज होते हैं। तो इनके पिक्सल्स में कितना ज़्यादा गैप देखने को मिलता है टीवी में, बड़ी डिस्प्ले इसलिए, तो PPI समझाते हैं ना आपको हम लोग, इसलिए स्मार्टफोन की डिस्प्ले ज़्यादा शार्प लगती है, कम एरिया में ज़्यादा पिक्सल पर इंच होते हैं। इवन यहाँ पर एकदम ब्लैक है ना, तो भी ये आपको देखो इस तरीके से दिखाई देता है। OLED TV होती वहीं पे, तो ये सीन ब्लैक हो जाता। सिंपल से लैंग्वेज में IPS क्या होता है भाई, जिसके पीछे एक बैकलाइट होती है कंप्लीट, जो लाइट सोर्स होता है वो डिस्प्ले को ग्लो कराती है, जो भी आपको दिखना होता है दिखता है। और क्योंकि पूरा एक पैनल होता है ना पीछे, तो यहाँ भी लाइट जलती है, हर जगह मतलब लाइट जलती है, चाहे ब्लैक करो चाहे कुछ भी। अगर डिस्प्ले पे कुछ भी ऑन हुआ, एक ये छोटा सा डॉट भी अगर आएगा रेड वाला, तो भी पूरी बैकलिट में लाइट होगी। और वहीं पे एमोलेड, सुपर एमोलेड, OLED में ऐसा नहीं होता, उसमें छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, वही मैं अभी आपको लाइव दिखाने जा रहा हूँ, तो वो पिक्सल जब तक काम होती है वही जलते हैं, जब तक काम नहीं होता नहीं जलते। ये बातें कई बार आप सुन चुके हो, एक बार और सुना दिया मैंने। लेकिन जो मैं 3 मिथ के बारे में बता रहा था, पहला मिथ तो ये कि IPS डिस्प्ले थोड़ी सी अंडररेटेड होती चली जा रही है, रीजन है एमोलेड डिस्प्ले। भाई एमोलेड मस्त लगती है, कॉन्ट्रास्टी होती है, पंची कलर देती है, जिंदगी में और क्या चाहिए, खुशहाली रंग बिरंगी। इसके चक्कर में लोग ना IPS कम पसंद करने लगे, हालांकि सिर्फ वो जो जानते हैं एमोलेड वर्सेज IPS वगैरह में क्या फर्क है। सो IPS बुरी नहीं होती भाई, आज भी बड़ी बड़ी डिस्प्ले में जहाँ पे कलर एक्यूरेसी का काम होता है, एडिटिंग का काम होता है, IPS यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों की थोड़ा सा वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इट डिपेंड्स कि कहाँ वो यूज़ हो रहा है। तो मिथ नंबर 2, IPS या एमोलेड में भी क्वालिटी होती है। रेडमी नोट 10S का एमोलेड
10 प्रो का एमोलेड या फिर किसी फ्लैगशिप का एमोलेड बहुत फर्क होता है, सिमिलरली आईपीएस में भी फर्क होता है। और तीसरा, तो वैसे मैंने बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था, एमोलेड बैटरी सेव नहीं करता जब तक उसमें ब्लैक थीम या ब्लैक वॉलपेपर या ब्लैक एरिया कुछ भी ऐसा कुछ अगर आप नहीं देखते तो, क्योंकि तभी वहाँ पे पिक्सल ऑफ होते हैं ना। जब अगर आप व्हाइट वॉलपेपर, रंग बिरंगे वॉलपेपर या रंग बिरंगा सब कुछ चल रहा होगा फ़ोन पे, तब तो सारे ही पिक्सल जलते हैं ना उसके, तो वहाँ पर ये बैटरी सेविंग वाली जो स्कीम है वो फेल हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। लेकिन जब ब्लैक ब्लैक होता है, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आईपीएस में नहीं लगा सकते, लगा देंगे तो भाई साहब बैटरी ख़त्म कर देगा, लेकिन एमोलेड संभालता है, ड्रेन वो भी करेगा लेकिन पूरी डिस्प्ले के कंपैरिजन में नहीं करेगा, मतलब थोड़ी सी एरिया में जहाँ पे वो टाइम दिखेगा वहीं पे पिक्सल जलेंगे। तो ये था जो आप सालों से सुनते चले आए हो आईपीएस एमोलेड के बारे में, थोड़ा सा क्विक डेमो टाइप की, लाइव कैसे चेंज होते हैं, स्मार्टफोन टीवी के बीच में कैसे डिफरेंस होते हैं, छोटे छोटे बड़े पिक्सल, छोटे पिक्सल बीच में गैप, और दो तीन मिथ भी क्लियर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।